सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। सुरक्षा के प्रश्न पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी मैं जानता हूं कि यह बॉर्डर स्टेट है पंजाब, बहुत ही सेंसिटिव स्टेट, संवेदनशील स्टेट है। यहां पर ऐसी सरकार होनी चाहिए जो पूरी ताकत से, पूरी मजबूती के साथ भारत के साथ छेड़छाड़ करने वालों को मजबूत जवाब दे सके। ऐसी सरकार हमको चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, जब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो पंजाब में संयुक्त अकाली दल और ये पंजाब लोक कांग्रेस तीनों की बात करता हूं। सारे उम्मीदवार हमारे हरजोत कमल जी हैं, रविंदर गिरवाल जी हैं, मुख्तियार सिंह हैं, जगतार सिंह हैं, सबको जिताइए। संयुक्त अकाली दल का तो हाकी क्या है, संयुक्त अकाली दल का है ये टेलीफोन। अब देखिए टेलीफोन है कितना बढ़िया चुनाव चिन्ह है, घर घर में टेलीफोन है, सीधे बात करिए, हाकी बाल है। अच्छा किया कि वो आपने कांग्रेस के पास रहने दिया बैट वगैरह, आपने बैट नहीं चुनाव चिन्ह रखा, वापस बैट लड़ रहे हैं लोग, बैट्समैन है, हाकी बाल है। और हमारे हरजोत कमल का तो पूछना नहीं, कमल लगे है तो कमल। और मैंने देखा कि हरजोत कमल जी बड़े सिंसियर कैंडिडेट हैं, आप बहुत सिंसियर, बड़े सुलझे हुए लगते हैं। और देखिए हरजोत कमल के चेहरे पर सराफत दिख रही थी, बहुत शरीफ आदमी, सही बात है कि नहीं? आपके घर वाली तो नहीं आई है? मैंने घर वाली आई होती तो मैं पूछ लेता। और सज्जन आदमी, इन्हें जिता देंगे तब हमारे चारों कैंडिडेट को कि नहीं? पक्का? जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, आप जाकर हमारे उत्तर प्रदेश में देखो, आप अब देखो बिहार वगैरह में, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हमारी सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएगी, ये पहले से संकल्प है। आप न मांगते तब भी मिल जाता है, जो तब भी मिल जाता। आलू किसानों के हित में प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मांग, अरे यहां पैसे वाले लोग हम लगाएं, जो सुविधा देनी है देंगे, लगाइए। हाँ नहीं आप पंजाब में लगाने को कोई तैयार हो तो जितनी मैक्सिमम सुविधाएं हो सकती हैं वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, लगवाइए यहाँ के लोगों से मिलकर कहिए लगाएं, लाइक कोऑपरेटिव बेसिस पर लगाइए। और यदि कोई दूसरे जिले का, दूसरे स्टेट का कोई यहाँ लगाने को तैयार है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री तो आ जाए, जो भी कंसेशंस दिए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें हमारी सरकार रही तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सारे कंसेशंस हम उनको प्रोवाइड